पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चोपरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक कथित कपल को सड़क पर गिराकर बुरी तरह से पीटा जा रहा है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, अलग अलग तरह की टिप्पणी इस पर होने लगी। लोग पूछने लगे कि महिलाओं के साथ ये बर्ताव आखिर क्यों। कुछ लोग पूछने लगे, ममता दीदी के राज में महिला के साथ ये ज्यादती क्यों। बीजेपी हमलावर हो गई है, सवाल कांग्रेस भी कर रही है, वाम दल भी आक्रामक होकर इस पूरी घटना को लेकर सवाल ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं। अब पूरी घटना क्या है ये आप जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में चोपरा में तस्वीर सामने आई, जहां पर सड़क पर गिराकर एक पुरुष और महिला को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दोनों में अवैध संबंध थे। महिला पर बुरी तरह से वार इसलिए किए गए क्योंकि महिला ने अपने पति, बेटा और बेटी को इस युवक के लिए छोड़ दिया और इसके साथ अवैध संबंधों में थी। गांव में पंचायत बुलाई गई और गांव की पंचायत में ये तुगलकी फरमान सुनाया गया। दोनों को सड़क पर गिराकर बुरी तरह से पीटा गया। अब पीटा गया तो वीडियो कई लोगों ने बना लिया और यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब मुख्य विपक्षी पार्टी चूंकि बीजेपी है, बीजेपी ने बैठे बिठाए इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। सवाल बहुत से हैं और एक एक करके जो लीडर्स हैं, जेपी नड्डा से लेकर कंगना रनौत तक, सुकांत मजूमदार से लेकर बाकी नेताओं के जरिए पूछा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में शरिया कानून लागू कर दिया है क्या। ये जो पूरी घटना हुई इसको लेकर जो मुख्य आरोपी है वो तजमुल नाम का शख्स है, जो कि टीएमसी नेता कहा जा रहा है। इसलिए भी ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है। तजमुल उर्फ जेसीबी के नाम से ये दबंग नेता जाना जाता है। हालांकि जब चोपरा के विधायक हमीदुल से इस बारे में पूछा गया तो हमीदुल रहमान का ये कहना है कि तजमुल यानी कि जेसीबी का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ इस पूरी घटना पर टीएमसी को उन्होंने डिफेंड भी किया और डिफेंड करते हुए ऐसा बयान दे दिया, जिसको लेकर सवाल अब और ज्यादा उठ रहे हैं। दरअसल हमीदुर रहमान ने कह दिया कि मुस्लिम राष्ट्र में तो इस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाती है, यानी कि जब इस तरह की घटनाएं महिलाओं के जरिए होती हैं तो फिर वहां बुरी तरह से कोड़े बरसाए जाते हैं। कम से कम यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है और महिला के साथ जो हुआ उस पर अफसोस भी जता रहे हैं। कह रहे हैं कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन महिला भी गलत थी और महिला के जरिए गलत किया गया, इसीलिए कानून हाथ में लिया। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब एक्शन के तौर पर तजमुल उर्फ जेसीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी और आरोपियों की पहचान हो रही है। लेकिन चोपरा के विधायक हमीदुल रहमान का ये जो बयान है मुस्लिम राष्ट्र का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद से ही विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं और ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने अपने हिसाब से पश्चिम बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर देखा है क्या और क्या यहाँ पर शरिया कानून लागू होता है क्या। ये तमाम टिप्पणियां अब इस घटना को लेकर की जा रही हैं। बड़ी बात यह कि गिरफ्तारी हो गई है। इस तरह की घटनाओं को प्रमोट बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ एक्शन हो, ये हम भी मांग करते हैं। बाकी जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ